तो लाए बबरा काफ़ी। मैं मीठी सेवैयाँ बना रही हूँ, सूजी की सेवैयाँ बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा, इतना ज़्यादा इसमें मक्खन डाला है और इलायची हैं छोटी, और मक्खन को मैं मेल्ट कर रही हूँ। घी मेरा बनने वाला है, मक्खन मैं लेके आई हूँ, इसी का मैं घी बना लेती हूँ, नहीं तो मक्खन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जो मलाइयों का मैं घी बनाती हूँ वो अलग से होता है। सेवैयाँ, ये सूजी की सेवैयाँ मैं स्पेशल जो है लेके आती हूँ बड़ी से, ये ताकत वाली होती हैं सूजी की, ये इस तरह लंबी लंबी होती है, इसको छोटा छोटा मैं तोड़ रही हूँ, तो इतनी बड़ी नहीं खाई जाती, इस तरह छोटा छोटा इसको ध्यान से उड़ रही हूँ, छोटा कर लूँगी। मक्खन के अंदर सेवैयों को अच्छी तरह मैं बुनाई करूँगी, इसको इसका कलर थोड़ा चेंज हो, इस तरह लगने नहीं देना, जलने नहीं देना, लेकिन इसका कलर जो है ना ये वाइट से रेडिश सा हो जाएगा। अच्छा से इन सबको भूनूंगी। ये देखिए जी, हल्की आंच पे तरीके से इनको करते करते अलटते पलटते, काला नहीं होने देना, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होने देना, इनका कलर चेंज हो चुका है, वाइट नहीं रह गया। ये देखें कहीं कहीं से ज़्यादा हो जाता है, ये मुसलसल चम्मच को चलाना पड़ता है मुसलसल। बस जी करीब करीब हो गया, अब मैं इस पर दूध डाल दूँगी। ये देखें जी, तकरीबन 2 किलो दूध इस पर मैंने डाल दिया है। आपने सेवैयाँ देखी थी कितनी थी मेरे, 2 किलो पूरा दूध इसमें जा चुका है इस टाइम पे। तो चाहे मैं हो सकता है इसमें डालनी है, बस अंदाजे से, यानी छोटा एक कप जो होता है ना चाय वाला, बहुत है हमारे टेस्ट के मुताबिक। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर शायद आपका बड़ा एक कप या छोटे छोटा 1.5 कप इसमें चला जाएगा। मिक्स कर रही हूँ, उबाला आता है तो मैं 1 किलो बचाया था। ये देखिए माशाल्लाह सेवैयाँ बन गई हैं, वो खुले दूध के अंदर ये सेवैयाँ बन गई हैं। 10 मिनट पूरे इसको मैंने दम लगाया था। ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था, फोकस नहीं कर पा रही मैं।